अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा है आज अपने चूजों को, तमाम चूजों को हम देंगे बेसल लीव यानी तुलसी के पत्ते। इसके मैंने बहुत ज्यादा फायदे पड़े थे तो मैंने सोचा कि आज ही अपने चूजों को देंगे, देखें और आप लोगों को भी दिखाएंगे इसको किस तरह देते हैं और कितनी मकदार में देते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रायलर जो है बाहर निकल आया है क्योंकि ये हाशिर साहब जो है इन्होंने इसको खोल दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी ये सारे चूजे और ये ब्रायलर का मुर्गा वो भी इधर है, ये इसको भी इसने निकाल लिया। तो ये अच्छा है, थोड़ा खेल खेल लेंगे। बाकी हाशिर एक काम करो, सबसे पहले इनका सब पानी पानी चेंज करो क्योंकि पानी बहुत गंदा हो गया और कम हो गया, इसमें जो है इसमें पानी काफी है। तो मैं जरा अभी नीचे जाता हूँ, नीचे जाके तुलसी के पत्ते लेके आता हूँ। ये पत्ते मैं लेके आ गया हूँ और ये अभी हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके अपने चूजों को देते हैं। ये इधर छोड़ दिए और ये देखें अभी किस शौक से खा रहे हैं ये पत्ते। अच्छा ये इन बेचारों को ये लो भाई, तुम भी ले लो खा लो, चलो शाबाश। ये खा रहे हैं भाई, खा रहे हैं, सब सब डाल देता हूँ। ये देखें आप कितने शौक से खा रहे हैं, सब सब सबके सब खा रहे हैं। ये ब्रायलर को देख लें। अच्छा ये लो खा लो, खत्म करो। चलो भाई तुम तो हटो, तुम क्या खा रहे हो, इनको तो खाने दो देसी हो। ये एक एक लेके अपने अपने लेके भाग गए। ये मुर्गा पता नहीं क्यों, हाँ मुर्गे ने भी खा लिया। अच्छा नहीं, मुर्गे को पसंद नहीं आया। अच्छा ये आशे पानी ले आया, ये पानी लगा दो। अच्छा अभी आपने देखा कि तुलसी के पत्ते कितने शौक से इन लोगों ने खाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हफ्ते में आपने एक दफा देने हैं और 8 से 10 पत्ते आप देने हैं तकरीबन 8 से 10 मुर्गियों को, इससे ज्यादा नहीं देने। और इसका जो मेन फायदा जो है वो ये है कि इससे जो है मुर्गियों के लंग्स यानी फेफड़ों का जो फंक्शन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है और इनको जो है IBD यानी गंभीरू जो सांस की बीमारी होती है उससे काफी हद तक बचत हो जाती है और प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन ये जो है आपने एक बहुत मखसूस मकदार में देनी है, बहुत ज्यादा नहीं देने वरना इनका पेट खराब हो जाएगा। चलो हाशिर अब एक काम करो, इनको बाहर निकाल दो, थोड़ी सी धूप वूप लगती रहे। ये दरवाजा खोल लो, दोनों दरवाजे खोल लो पूरे। चलो मैं इनको बाहर निकाल दो। चलो भाई चलो 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 सब बाहर चलो। हाँ ये सही, ये सब बाहर आ गए, ये सारे पूरा नहीं, एक वो मुर्गा उधर, मुर्गा या मुर्गी उधर चलेगा। अच्छा आज भी जो है गर्मी बहुत है, तकरीबन 37-38 डिग्री टेम्परेचर है, ये आप देख सकते हैं हर जगह धूप ही धूप है। लेकिन ये इधर साए में खड़े हैं तो इनको थोड़ी सी हम हवा वगैरह लगाते हैं ताकि ये आराम से घूमें फिरें। ये चावल खा लो भाई, आ जाओ, ये इसको खाने होंगे वो आ जाएंगे। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि हम ना जाके अभी एक आध हफ्ते में, एक दो हफ्ते में जाके कोई नई मुर्गी एक और लेके आए, दो तीन मुर्गियाँ कोई स्पेशल ब्रीड हो जो हमने अभी तक ना ली हो। तो मैं हाशिर से भी पूछता हूँ कि हम कौन सी लें। हाँ तो हाशिर ज़रा बताओ हम कौन सी ब्रीड लें, कौन सी नस्ल लें मुर्गियों की, क्योंकि ये तो है अब इनको तो काफ़ी दिन हो गए हमारे साथ। रोमन ग्राम लेते हैं, रोमन ग्राम का एक ये फायदा है वो बहुत सारे अंडे देती है, मुझसे भी ज्यादा अंडे देती है। अच्छा ये कह रहा है कि हम लोमन ब्राउन लेते हैं क्योंकि इसने भी पढ़ा था, नेट पे देखा था वीडियोस में कि लोमन ब्राउन जो है जब एक बार अंडा देना शुरू करती है तो वो उसके 92% चांसेस होते हैं कि वो अंडा देती रहेगी और साल में 300 से ज्यादा अंडे देगी। अच्छा और वो कुड़क भी नहीं होती तो वो कंटिन्यूस अंडे देती रहती है। अच्छा ये बताओ आशिर के हम कितनी वो लोमन ब्राउन मुर्गियां लें, और कोई नस्ल आपने सोची है ब्रीड जो हम लें? हैं ऑस्ट्रेलॉर्प क्यों लें, वो क्यों पसंद है आपको, उसका क्या फायदा है आपको? क्योंकि वो काला हो, काला मुर्गी होती है, काली मुर्गी होती है पूरी। अच्छा और कोई वजह उसकी? और ऑस्ट्रेलॉर है ना बहुत खूबसूरत भी होती है। अच्छा ऑस्ट्रेलॉर्प भी लेनी है, चलो हम सोच रहे हैं अभी एक दो हफ्ते बाद जाएं किसी पोल्ट्री फार्म पे और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ लोमन ब्राउन मिल जाए, ऑस्ट्रेलॉर्प मिल जाए और भी अगर कोई अच्छी सी नस्ल ब्रीड है तो वो भी देख लें। अच्छा ये बताओ अभी तो हमारे पास काफी सारी मुर्गियां मौजूद हैं, तो अभी जैसे हम 10-15 दिन बाद जाके हम मुर्गियां और ले आए, ऑस्ट्रेलॉर्प ले लें और लोमन ब्राउन ले लें, तो उसके बाद हम कौन सी चीज लें, कोई नई, कोई जैसे मुर्गियों के अलावा क्या? बत्तख ले, बत्तख ये कह रहे हैं कि डक्स ले लें। डक्स
वैसे हमने मैंने भी सोचा है कि हम कुछ अरसे बाद जो है डक्स भी लें, क्योंकि हाशिर का भी शौक है। तो डक्स कौन सी वाली लेनी है, वो फुल व्हाइट वाली, छोटी वाली, छोटी गर्दन वाली, बड़ी गर्दन वाली, या वो जो ब्लैक एंड अलग अलग कलर की होती है वो वुडू डक्स जिसे कहते हैं, कौन सी लें? वुडू डक्स। अच्छा चलें, छोटी गर्दन होती है छोटी गर्दन, क्यों, वो, कोई बहुत खास क्योंकि वजह? वो बहुत खूबसूरत होती अच्छा आपको भी वो ज्यादा पसंद है, चलो है। सही है। अच्छा ये देखें आप, ये मुर्गा जो है ना, इसको वहाँ नीम दिख गया है, तो ये बार बार ना जंप मारता है और वो नीम का पत्ता पकड़ने की कोशिश करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है ये वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए तो फिर आप लोग भी देख सकते हैं। ये देखें गर्दन ऊपर कर रहा है अभी, ये भाग गया मुर्गा। ये भाई साहब जो है ना, इसको जो है अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा ये वाला जो है ना चूजा, ये पीछे वाला, ये मुझे लगता है ये मिस्री और असील का क्रॉस है, क्योंकि इसकी गर्दन आप देखें, उसकी गर्दन दूसरे वाले की गर्दन से ज्यादा लंबी है और साइज में ये बराबर ही है। हो सकता है क्रॉस हो, या हो सकता है ये कुछ और हो, पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो मिस्री बोल के दिया था भाई। अच्छा इस तरफ देखें, ये सारे माशाल्लाह चावल खाना शुरू हो गए। अच्छा ये चावल का इनका कोई फायदा नहीं है खाने का, इससे इनको कोई प्रोटीन या कुछ नहीं मिलता, बस ये सिर्फ पेट भरने के लिए खा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो ये सही है, इनको खाने देते हैं हम, ज्यादा वो नहीं करते। हाँ हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनको ना फीड ज्यादा ज्यादा दें, इनके वेट के हिसाब से इनको ज्यादा फीड दें, ताकि जल्दी जल्दी बढ़े और जल्दी जल्दी अंडे देने पाए। हाँ भाई तुम क्यों अलग फिर रहे हो, तुम भी खा लो चावल। हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ यहाँ खड़े होकर चावल वावल खाओ। मैं तो एक और चीज सच करेंगे, हम जिंदा नहीं हो सुना पाए। अच्छा वो क्या क्या कहते हैं उसको, मील वॉर्म फार्मिंग करके कहते हैं ना उसको कुछ। हाँ वो भी कर सकते हैं, उससे ये है कि वो फिर करके देखेंगे, अगर मन जाता है तो उसको मना के यहाँ रख लेंगे, रोज हमें मिलते रहेंगे। सही है, चलो आइडिया तो आपने बहुत अच्छा दिया है। ये आपने सुना होगा कि आशा ने हमें डाइट मील वॉर्म की जगह जो लाइव मील वॉर्म होते हैं उनकी फार्मिंग करने का कह रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, और उससे ये है कि हमें एक मील वर्म की सप्लाई भी होती रहेगी और हमें कहीं बाहर से जाके खरीदना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा कि हमने तुलसी के पत्ते यानी बेजल लीव्स कितने दिए और किस तरह दिए और किस मकदार में दिए और इसके क्या क्या फायदे थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।